हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, जैसा कि हम थर्ड स्टैंडर्ड का मैथ्स कर रहे थे, चैप्टर फ्रैक्शंस हमारा कंटिन्यू था। इससे पहले हमने पार्ट वन में पेज नंबर 80 तक कवर कर लिया था। आज इस वीडियो में हम पेज नंबर 81 एंड 82 को कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पेज नंबर 81 पर आपको यहां पर दिया गया है थ्री क्वार्टर्स। क्वार्टर्स हमने देखा था बच्चों, क्वार्टर्स का मतलब होता है फोर। तो किसी भी पिक्चर को या किसी भी चीज़ को हम चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्वार्टर कहते हैं। एक पार्ट को हम अ क्वार्टर कहेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है थ्री क्वार्टर्स, इसको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए 1, 2, 3, 4, आपको थ्री क्वार्टर्स कहा गया, इसीलिए यहाँ पर थ्री येलो कलर है। नंदू कह रहा है, आई हैव ड्रॉन लाइन्स इन दिस पिक्चर सो दैट इट गेट्स डिवाइडेड इंटू फोर इक्वल पार्ट्स। थ्री ऑफ दिस पार्ट्स हैव बीन कलर्ड। इन अदर वर्ड्स, थ्री क्वार्टर्स ऑफ द पेपर हैव बीन कलर्ड। तो जो मैंने अभी समझाया वही है कि किसी भी चीज़ को अगर आप चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो उसको आप क्वार्टर कहोगे। यहाँ पर थ्री क्वार्टर्स कहा जा रहा है, यानी इसके थ्री पार्ट्स यहाँ पर कवर किए गए हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, इफ अ होल इज डिवाइडेड इंटू फोर इक्वल पार्ट्स एंड वी टेक थ्री ऑफ देम, द पार्ट दैट वी हैव टेकन इज कॉल्ड थ्री क्वार्टर्स। किसी भी चीज़ को अगर आप चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो और उसमें से अगर आप तीन हिस्से को लेते हो तो उसे हम थ्री क्वार्टर्स कहेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है, हाफ अ गुआवा। ये हाफ गुआवा है, इसका हाफ करोगे तो वन क्वार्टर हो जाएगा, अ क्वार्टर ऑफ अ गुआवा। ठीक है, हाफ एंड अ क्वार्टर मेक थ्री क्वार्टर्स। एक हाफ होगा और एक क्वार्टर होगा, इन दोनों को जब आप मिला लोगे तो आपका थ्री क्वार्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये फुल पिज्ज़ा है, इस फुल पिज्ज़ा के अगर आप चार इक्वल पार्ट्स करते हो और उसमें से कोई थ्री पार्ट्स ले लेते हो तो उसको हम कहेंगे थ्री क्वार्टर पिज्ज़ा। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, कलर थ्री क्वार्टर्स ऑफ द पिक्चर्स बिलो। यहाँ पर आपको जो भी पिक्चर्स दिए गए हैं उनमें आपको थ्री क्वार्टर्स को कलर करना है। तो यहाँ पर आपको फोर इक्वल पार्ट्स दिख रहे हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, है ना। तो इन फोर में से आपको किसी भी थ्री को कलर करना है। ये हो गया फर्स्ट वाला, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड। आप प्रॉपरली कलर करेंगे तो प्रॉपर कलर कीजिए, कलर बाहर नहीं जाना चाहिए और कोई कलर छूटना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हाईलाइट करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है स्क्वायर, तो इनमें आपको क्या करना है, कोई भी थ्री बॉक्स को कलर करना है। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, और ये है थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है, इसमें भी आपको थ्री ही कलर करना है, कोई भी थ्री बॉक्स को कलर कर दीजिए और ये थर्ड वन। ठीक है, प्रॉपरली कलर कीजिएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, से वेदर द कलर्ड एंड द वाइट पार्ट्स ऑफ द फिगर्स बिलो आर अ क्वार्टर, अ हाफ और थ्री क्वार्टर्स। यहाँ पर आपको जो भी फिगर्स दिए गए हैं आपको देखना है, बताना है कि कलर्ड वाला पार्ट कौन सा है और वाइट वाला पार्ट कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया है, कलर्ड वाला पार्ट यहाँ पर हाफ है और यहाँ पर ये जो वाइट वाला पार्ट है ये क्या है, ये भी हाफ है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हाफ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको कलर वाला पार्ट देखिए क्या दिख रहा है, फोर पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, फोर पार्ट्स हैं। चार में से किसी एक पार्ट को कलर किया है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे क्वार्टर। ठीक है, और यहाँ पर ये जो वाइट वाला पार्ट है देखिए यहाँ पर कितना है, 1, 2, 3, तो ये भी क्वार्टर है लेकिन ये थ्री क्वार्टर है, तो लिखिए यहाँ पर थ्री क्वार्टर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इस वाले ट्रायंगल में आपको देखना है कितने पार्ट्स हैं। पहले तो देखिए पार्ट्स 1, 2, 3, 4। ठीक है, देखिए ये एक ट्रायंगल जो वाइट में है और ये वाला जो एक ट्रायंगल है ये वाइट में है। ठीक है, दो वाइट में ट्रायंगल है और यहाँ पर अपसाइड और डाउन साइड, तो दो कलर में ट्रायंगल है। तो इसका मतलब क्या है, फोर इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है जिसमें से टू कलर है और टू वाइट में है। प्रॉपरली इसको डिवाइड किया गया है, कलर वाला पार्ट है हाफ और वाइट वाला पार्ट भी है हाफ। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में आपको दिया है 1, 2, 3, 4 है, फोर पार्ट्स इक्वल बराबर डिवाइड किया गया है जिसमें से एक जो है वाइट में है और बाकी के जो थ्री हैं वो कलर में है। तो इसका मतलब ये थ्री वाला जो है कलर वाला वो थ्री क्वार्टर है और जो वाइट में है वो है क्वार्टर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, टू अनकलर्ड है, टू वाइट में है और टू कलर में है, तो इसका मतलब ये हाफ हाफ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर इस वाले में देखो, कलर वाले यहाँ पर तीन हैं तो इसका मतलब ये थ्री क्वार्टर है और वाइट वाला जो है वो क्वार्टर है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज नंबर 82 पर आपको दिया है, अ क्वार्टर, अ हाफ एंड थ्री क्वार्टर्स ऑफ अ कलेक्शन। यहाँ पर आपको समझना है क्वार्टर क्या है, हाफ क्या है, थ्री क्वार्टर क्या है, इसमें देखना है और समझना है। देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है, द पिक्चर शोज अ कलेक्शन ऑफ एट बॉल्स। यहाँ पर आपको एट बॉल्स दिए गए हैं, वी डिवाइड द कलेक्शन ऑफ एट बॉल्स इंटू टू इक्वल पार्ट्स। अब इस एट बॉल को टू इक्वल पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया, बीच में से एक लाइन ड्रॉ की है, देखिए यहाँ पर फोर है और यहाँ पर फोर है। ईच पार्ट इज़ अ हाफ ऑफ द कलेक्शन ऑफ एट बॉल्स, देर आर फोर बॉल्स इन ईच पार्ट। तो इसका हमने क्या किया, इस एट बॉल को हमने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये हाफ हो गया। इन दिस पिक्चर अ कलेक्शन ऑफ एट बॉल्स हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू फोर इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज अ क्वार्टर ऑफ द कलेक्शन, ईच क्वार्टर कंटेन्स टू बॉल्स,
व्हेन अ हाफ ऑफ अ कलेक्शन इज हैव अगेन व्हाट डू वी गेट। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 8 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो 4-4 हो गया। अब इस 4-4 को फिर से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो देखिए यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स आ गए, हर एक में 2-2-2-2 आ गया। तो ये हो गया आपका क्वार्टर। सबसे पहले होल था, पूरा था, उसको हमने हाफ किया, फिर हाफ का भी हाफ किया तो हमें क्वार्टर मिला। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, हाफ एंड क्वार्टर टुगेदर मेक 3 क्वार्टर्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो हाफ है और यहाँ पर ये जो एक सिंगल क्वार्टर है, इन तीनों को मिलाने के बाद आपको 3 क्वार्टर्स मिलता है। द पिक्चर शोज अ 3 क्वार्टर पार्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ 8 बॉल्स। व्हेन अ क्वार्टर इज टेकन अवे फ्रॉम अ होल वी गेट अ 3 क्वार्टर्स। तो यहाँ पर अगर आप इस 8 बॉल में से 2 बॉल्स को हटा देते हो तो यहाँ पर आपके पास 6 बॉल्स बचेंगे जो 2-2 के होंगे, तो इसको हम कहेंगे 3 क्वार्टर। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 है ये हट जा रहा है, बाहर हट जा रहा है, तो यहाँ पर आपके पास ये 3 सेट बच रहा है, तो इसको हम कहते हैं 3 क्वार्टर्स। आगे कह रहे हैं, व्हेन 3 क्वार्टर्स ऑफ अ कलेक्शन आर ब्रॉट टुगेदर व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पार्ट वी गेट। अभी मैंने आपको बताया उसको हम कहते हैं 3 क्वार्टर। अब आगे देखिए आपको यहाँ पर कह रहे हैं, एक्टिविटी दी गई है, शो अ हाफ ऑफ दिस कलेक्शन। ये जो आपको दिया गया है इसका आपको हाफ बताना है। तो सबसे पहले आप काउंट कीजिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीच में से एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अप साइड में 5 है और डाउन साइड में 5 है, तो ये हो गया हाफ। नेक्स्ट आपको दिया है कलर 3 क्वार्टर्स ऑफ द कलेक्शन शोन बिलो। यहाँ पर आपको टोटल काउंट कीजिए और उसमें से क्वार्टर कलेक्शन को कलर करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी आपको दिया गया है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो टोटल 8 है, 8 का अगर आप 4 इक्वल पार्ट्स देखते हो तो हर एक का 2-2 होगा, 2 4 8 होता है। अब हमें यहाँ पर 3 क्वार्टर्स कहा जा रहा है, तो 3 क्वार्टर्स का मतलब क्या होगा, 2 3 से कितना होगा, 6 होगा। तो हमें 6 पार्ट्स को कलर करना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, या आप डाउन साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो आइए अप साइड से ही कर लेते हैं, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 3 क्वार्टर्स हो गया आपका कलर। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं शो अ हाफ ऑफ द कलेक्शन गिवन बिलो। जितना भी यहाँ पर आपको दिया गया है उसका आपको हाफ कलेक्शन बताना है। तो पहले काउंट कीजिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 का हाफ कितना होता है, 7। तो इसमें से आपको क्या करना है, 7 बॉल्स को एक बॉक्स में या एक सर्कल में लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये इनसाइड वाला 7। देखिए काउंट कीजिए अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये हो गया आपका हाफ। अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। तो ये 7 बाहर वाले 7 और ये वाला 7, दोनों 7 7 14 होता है, तो इक्वली हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब लास्ट यहाँ पर आपको दिया है शो अ क्वार्टर ऑफ द कलेक्शन गिवन बिलो, कलर द रिमेनिंग पार्ट एंड से व्हाट अ पार्ट ऑफ द होल कलेक्शन इट इज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बताना है क्वार्टर कलेक्शन क्या है। तो पहले काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 यहाँ पर आपको दिया गया है, ध्यान से समझिए, 16 पार्ट्स आपको यहाँ पर दिया गया है। 16 का हाफ होता है 8 और 8 का हाफ होगा 4। तो यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड करते हो 4 से तो 4 4 होता है 16। यहाँ पर 4 पार्ट्स अगर आप देखते हो तो ये आपका हो गया एक क्वार्टर, जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, शो अ क्वार्टर ऑफ द कलेक्शन। तो हमने यहाँ पर क्वार्टर कलेक्शन बता दिया। अब नेक्स्ट पार्ट आपको कह रहे हैं कलर द रिमेनिंग पार्ट से व्हाट पार्ट ऑफ होल कलेक्शन इट इज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं उसको कलर करना है। तो इसको भी कलर कर दीजिए, इसको, बाकी जितने भी बचे हुए हैं सभी को आपको कलर करना है प्रॉपरली। ध्यान रखिए कि बाहर कलर ना जाए। तो यहाँ पर आपका पेज नंबर 82 कंप्लीट होता है, ये पार्ट 2 था। इसके बाद हम इसी चैप्टर का पार्ट 3 लाएंगे और उसमें इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया इजीली समझ आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।